रमजान को ट्रेनिंग का महीना क्यों कहा जाता है? जब हम पूरे साल भाग रहे होते हैं तो उसमें हमें डिसिप्लिन की पाबंदी नहीं होती जब दिल उठते हैं, जब दिल चाहे हम सोते हैं जो दिल चाहे हम करते हैं तो हमारा जो डिसिप्लिन है वो डिसिप्लिन नहीं है तो अब रब ताला ये चाहता है कि हम एक महीना ऐसा डिसिप्लिन का कि जिससे हमें ये टाइम टेबल टाइम मैनेजमेंट अपने लाइफ बैलेंस जिसम रू जहन की पाकिजगी और तहारत ये वो डिसप्लिन में आ जाए एक्चुअली टाइम टेबल के अंदर आ जाए अब उस टाइम टेबल में लाने के लिए रोजा आपको पता है कि फजर से लेके और बफ्ताब तक यानी आप कह सकते हैं नमाज फजर से नमाज मगरब तक ये टाइम टेबल है नमाजों का ऑफिसली एक टाइम टेबल है अब जिसकी एक पाबंदी हमने करनी, करनी है।, है।, है और उसके बाद क्योंकि हम उस रोज़े की कैफियत के अंदर हैं तो हमें जबत नफ्स करना है हमें अब कौन सी चीजें हैं जिसके ऊपर रब तला ये कहते हैं कि इतने छोटे से अमल पे बहुत ज्यादा अजर होगा फ्राइज के बराबर आपको अजर मिल जाएगा आपकी सिर्फ एक नफिल की अच्छे जेस्टर से लेकिन सेम टाइम हम लोग आधा पढ़ते हैं आधा नहीं पढ़ते फिर पकड़ भी ऐसी होती है ना जब अगर आपको रब तला एक नेकी के बदले दस नेकियां देगा तो एक गुना के बदले भी तो आपकी कुछ पकड़ होगी ना तो इस महीने के अंदर जब आप वायलेशन करते हैं तो उसकी भी फिर पकड़ इसी तरह होती है तो ट्रेनिंग क्या करनी है हमारे जिसम की हमारी रूह की हमारे जहन की हमारे वक्त की हमारे रवैयों की सारा निज़ाम जो है वो ट्रेनिंग प्रोसेस से गुजरता है एक्चुअली ये ओवर हॉलिंग का महीना है ये पॉज का महीना है यानी जो हमारी तेज़ दौड़ चलती है इसको ठहराव लाने का महीना है ये एक्चुअली जिस तरह हम अपनी गाड़ी को ऑयल चेंज के लिए भेजते हैं ओवरहॉलिंग के लिए भेजते हैं फिल्टर चेंज करने के लिए भेजते हैं कि जी आपकी इतने किलोमीटर गाड़ी चल गई है तो आप कहते हैं कि जब आपके लिए पाँच हज़ार किलोमीटर के बाद आप अपनी गाड़ी भेजें अगर आप नहीं भेजेंगे तो फिर गाड़ी में ख़राबियाँ होनी शुरू होंगी और आखिर के अंदर जो है ये बहुत ज़्यादा जो है वो उसका नुकसान होगा पिछले दिनों मतलब एक छोटी सी एग्जाम्पल है तकारीब थी तो उसने मेरी गाड़ी के अंदर कहा कि जनाब ये इसके ब्रेक्स जो है वो मेरे ख्याल में चेक चेंज कर लेने चाहिए चेक कर लेने चाहिए अब वो थोड़ी सी गफलत होती चली गई और वो चलते चले गए फिर बीच में बारिश हो गई फिर मौका नहीं मिला और अब जब जाने के बाद ये ख्याल आया कि यार ऐसा करते अब गाड़ी भेज देते हैं तो अब जब गाड़ी भेजी है तो तीन लाख रुपए का बिल आया क्योंकि खाली ब्रेक की कहानी नहीं थी ना वो जो सारी चीज़ें काटता चला गया काटता चला गया टायर से लेके अंदर सिलेंडर बुशेस दुनिया जहाँ की चीज़ें और उसके बाद उसने कहा कि जी सर टायर चेंज करने का भी टाइम आ गया तो इसका मतलब है कि आपने जाहिर है क्योंकि गाड़ी को सही टाइम के ऊपर मेनटेन नहीं किया था अब गाड़ी के टायर्स भी कट रहे हैं या आवाज़ दे रहे हैं या घिस रहे हैं क्योंकि बैलेंस नहीं थे तो यही पर हमारा हाल है कि रब ताली ये कहता है कि ये तो रोकेगा नहीं इंसान जितना जल्दबाज है ये तो रोकेगा नहीं इसको रोकने के लिए एक महीना ऐसा जो है वो ला दे दिया जाए कि जिसके अंदर ये पाबंदी करे और इसकी ट्रेनिंग हो जाए और फिर रबाल ने उसके लिए इनाम के तौर पर रगबत के तौर पर तरगीब के ऊपर तौर पर कहा कि जी इसके अंदर तुम्हारे अमल का अजर इतना है कि तुम कैलकुलेट नहीं कर सकते यानी बहुत बहुत सारी चीज़ों के अंदर बताया जन्नत मिल जाएगी बहुत से बताया कि नहरें मिल जाएंगी मकान मिल जाएंगे नबी के साथ मिल जाएगा बहुत सारी मतलब रिवॉर्ड 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 बताया रफ्ताला ने कि ये ये नहीं करते जाओगे तो आपको इतने रिवॉर्ड मिलेंगे लेकिन उससे कहा कि ये रिवार्ड आप कैलकुलेट ही नहीं कर सकते क्योंकि आपने अल्लाह के कहने पर अपनी जायज चीजों को रोका था तो इसका रिवॉर्ड मैं खुद हूँ तो आप अंदाजा करें कि उसकी अकल भी इतनी समझ में आई बंदे को कि यार इससे बड़ा रिवॉर्ड क्या होगा कि रिवॉर्ड देने वाला कह रहे हैं कि मैं ही रिवर्ड हूँ तुम्हारा तो ये कितना बड़ा रिवॉर्ड होगा ना उसमें तो ये इसलिए ट्रेनिंग का महीना है कि हमारी ज़िंदगी जो ग्यारह महीने पाकलू की तरह दौड़ रही थी उसके अंदर ठहराव लाना रिसाइकल करना चेंज करना ट्यूनिंग करना अलाइनमेंट करना प्लग चेंज करना और दोबारा एक बेहतर जिंदगी के लिए आगे जो है वो चल पड़ना